मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन बात करेंगे अपने चैप्टर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन्होंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना अपन ने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था, यहाँ उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो अपन को ये तो आता ही है, इसको अपन पहले देख लेते हैं, इनको ये सॉल्यूशन वाले देख लेते हैं। फर्स्ट अपने पास में देखो, ये अपने पास में है 406 में ऐड कितना करना है अपने को, 313 को ऐड करना है। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ अपन 6 में 3 ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो मैंने कितने नोट कर दिए, 9। क्लियर? फिर 0 प्लस 1 अपने पास में हो जाएगा 1, तो मैंने नोट कर दिया 1। क्लियर? और फिर अपने पास में 4 प्लस 3 अपने पास में कितने हो जाएंगे, 7, तो मैंने कितना नोट कर दिया, 7। क्लियर? ऐसे ही अपने पास में सेकंड है, सेकंड में अपने पास में हो जाएगा 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। 12 हो जाएगा, तो आप में से आपको पता ही है कि 12 में 2 को तो अपन नीचे नोट करेंगे और जो 1 है वो आपका ऊपर कैरी में चला जाएगा। क्लियर? अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 10। 10 प्लस 1 कैरी कितनी हो जाएगी, 11। तो 11 का सेम एज इट इज मैं क्या करूँगा, 1, तो एक नो नीचे नोट कर दूंगा और दूसरे वाला 1 है वो ऊपर आपका कैरी में चला जाएगा। क्लियर? सेम एज इट इज आपको फिर से अपन को ऐड करना है, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। 8 प्लस 1 के लिए कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ जब अपन 723 में कितना ऐड करेंगे, 189 ऐड करेंगे, तो अपन में आंसर कितना आएगा, 912। क्लियर? ऐसे अपने को थर्ड को देखते हैं, थर्ड अपने पास में कितना है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। इट मीन्स 653 में अगर अपन 333 ऐड करते हैं तो अपने पास में आंसर कितना आएगा, 986। क्लियर? सेम एज इट इज अपन फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में अपने पास में स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो एडिशन था, और फोर्थ में अपने पास में क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ अपने पास में कितना लिखा हुआ है, 700, और 700 में से अपने को 599 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? तो पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से 0 में से 9 को माइनस करूँगा। अब आपको पता है 0 आपकी स्मॉल नंबर है, 9 इज आपकी ग्रेटर नंबर है, तो 0 में से तो 9 आपका कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो यहाँ वाला 0, इससे अपन को 1 कैरी लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये 1 कैरी लेगा, ये तो 10 हो जाएगा, बट इसके पास में ऑलरेडी कैरी है ही नहीं, ये खुद ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो ये क्या करा, इस 7 से 1 कैरी लेगा। तो जब ये 7 से कैरी लेगा तो 7 तो आपका कितना हो जाएगा, 6। क्लियर? और इसको अगर 1 कैरी दे रहेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से ये अगर इसको 1 कैरी दे देगा तो ये रह जाएगा अपने पास में 9, और ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। फिर 10 माइनस 9 करूँगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। क्लियर? इतना हो गया। अब अपने पास में ये 0 की जगह कितना हो गया, 9। तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0। क्लियर? अब अपने पास में पहले कितना था, 7, और 7 में से इसने 1 कैरी दे दी तो पीछे कितना रह गया, 6। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 1। तो जब अपन 700 में से 599 माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा, 101। क्लियर? ऐसे अपने पास में ये फिफ्थ सब्ट्रैक्शन है, अपने पास में नंबर है 557, अपने को सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 277। तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0। 5 माइनस 7 कितना होगा, 5 आपकी स्मॉल नंबर है, 7 आपकी ग्रेटर नंबर है, तो ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 1 कैरी से लेगा, तो ये 5 से हो जाएगा 15, और ये 5 से आपका इधर वाला 5 है ये तो हो जाएगा आपका 4, और ये वाला 5 आपका हो जाएगा 15। 15 माइनस 7 आपका हो जाएगा 8। क्लियर? इसने अगर 1 कैरी इधर दे दी तो ये 5 से 4 हो गया, और 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो अपने पास में कितने रह जाएंगे, 2। जब अपन 557 में से 277 माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा, 280। क्लियर? 6 में भी अपने पास में क्या है, एडिशन है। एडिशन क्या करना है आपको, 316 में 313 ऐड करने हैं अपने को, तो 6 प्लस 3 कितने हो गए, 9। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। क्लियर? तो ये अपने पास में 6 भी सॉल्व हो गया। फिर अपने पास में 7th में भी एडिशन करना है, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। 4 प्लस 2 कितने हो गए,
सिक्स। जब अपन 437 में 241 ऐड करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा 678। फिर अपने पास में 3 + 5 कितना हो गया 8, 6 + 3 कितना हो गया 9, 8 + 1 कितना हो गया 9। इट मीन्स 863 में 135 ऐड करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 999। इसमें नाइन्थ में अपने को सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ में सॉल्व करके बताया था। अपने पास में 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, 2 - 0 कितना हो जाएगा 2। मैंने अभी आपको बताया था कि जीरो को किसी नंबर में ऐड कर दो या फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी चेंज नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ अपन 2 में से 0 माइनस करेंगे तो भी वापस कितना आएगा 2। फिर अपने पास में 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, क्लियर। अब अपने पास में सेम एज इट इज 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 और 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका 1, क्लियर। तो ये अपने पास में हो गया 378 में से अगर 215 माइनस करेंगे तो 163 बचेंगे, क्लियर। अभी अपने को क्या करना है, 11th वाले को सोल्व करना है। तो यहाँ अपने पास में स्पेस थोड़ा कम है तो इसको अपन किसी अदर नोटबुक में सोल्व करके देखते हैं। अपन यहाँ पे 11th को सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 11th। 11th में अपने पास में क्या है 580 प्लस कितने ऐड करने हैं इसमें 27, कितने ऐड करने हैं 27, तो ये हो जाएगा 27 और प्लस कितने ऐड करने हैं 306, तो ये हो जाएगा 306। इनका करना अपने को एडिशन, क्लियर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्या करना है, जीरो में से 7 ऐड करना है, तो 0 + 7 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जीरो को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने में नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो 0 + 7 हो जाएगा आपका 7 और 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया आपका 13। कैरी कितनी रहेगी आपकी 1, तो ये मैंने अब साइड नोट कर दी, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, 8 + 2 कितना हो गया 10 और 10 + 0 कितना हो जाएगा 10 और उस 10 में मैं 1 कैरी ऐड करूंगा तो हो जाएगा 11। 11 का 1 यहाँ नोट कर दिया और 1 कैरी आपकी अपसाइड चलेगी। 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो जब अपन 580 में 27 ऐड करेंगे उसमें अगर अपन 306 ऐड करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आएगा 912। ऐसे अपने को क्या करना है, 12th सॉल्व करना है। ट्वेल्थ में अपने पास में क्या है 673 लिखा है, उसमें अपने को ऐड कितना करना है 102, उसमें कितना ऐड करना है 467, क्लियर। तो इनका करते हैं एडिशन, 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5 और 5 + 7 कितने हो जाएंगे 12, क्लियर। कितनी कैरी रहेगी 1 कैरी होगी, क्लियर। 7 + 0 कितना हो जाएगा 7, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, 13 + 1 कैरी कितनी हो जाएगी 14 और 1 कैरी यहाँ लग जाएगी। 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 1 कैरी 12। आगे अपने पास में कोई डिजिट नहीं है तो कैरी भी इसके साथ आ जाएगी। तो जब अपन 673 में 102 ऐड करेंगे और उसमें अगर 467 ऐड करेंगे तो आंसर अपने पास में आएगा 1242। ऐसे अपने 13 को सॉल्व करना है। 13 में अपने पास में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ आपके पास में, आपको 473 में से माइनस कितना करना है 296, ये सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया, क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अपने पास में देखो 3 - 6 कितना होगा, 3 आपकी स्मॉल नंबर है, 6 आपकी ग्रेटर नंबर है, तो ये इससे माइनस नहीं होगा। तो 3 को अपन क्या करेंगे 13 कर देंगे, ये 1 कैरी इससे लेगा तो ये अगर 1 कैरी इसको देगा तो यहाँ अपने पास में 7 की जगह तो 6 हो जाएगा, बट 3 की जगह कितना हो जाएगा 13, 13 - 6 कितना हो जाएगा आपका 13 - 6 आपका हो जाएगा
सेवन, कितना हो जाएगा सेवन, क्लियर। अब इसने अगर वन कैरी उधर दे दी तो इसके पास में कितने रह जाएंगे सिक्स, और सिक्स माइनस नाइन भी नहीं होगा तो ये वाला सिक्स क्या करेगा, इस फोर से वन कैरी लेगा, तो फोर से कैरी लेगा तो फोर्थ हो जाएगा थ्री, और ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा आपका फाइव, क्लियर। फिर अपने को क्या करना है नेक्स्ट, इसने अगर फोर ने वन कैरी दे दी तो फोर की जगह कितना हो जाएगा थ्री, और थ्री माइनस वन कैरी कितनी, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा आपका वन। तो जब अपन 473 में से 296 माइनस करेंगे तो आंसर अपने पास में आ जाएगा 157। ऐसे अपने पास में क्या है 14 को सॉल्व करना है। फोर्टीन अपने पास में कितना लिखा हुआ है, एट हंड्रेड एट्टी सिक्स माइनस कितना करना है 397, क्लियर। अभी आपको सेम एज इट इज मैंने अभी आपको बताया था, सिक्स माइनस सेवन करना है तो सिक्स आपकी स्मॉल नंबर है, सेवन आपकी ग्रेटर नंबर है, तो सिक्स माइनस सेवन नहीं होगा तो सिक्स क्या हो जाएगा सिक्सटीन, इस सेवन कैरी लेगा तो सिक्सटीन माइनस सेवन हो जाएगा आपका नाइन, क्लियर। एट अगर वन कैरी इसको देगा तो एट की जगह हो जाएगा सेवन, और ये वाला जो आपका सेवन है इस नेक्स्ट वाले एट से वन कैरी लेगा तो ये एट से हो जाएगा, ये इधर वापस सेवन हो जाएगा, और इधर वाला हो जाएगा आपका सेवनटीन, सेवनटीन नाइन, सेवनटीन माइनस नाइन कितना हो जाएगा आपका एट। फिर अपने पास में इस एट ने अगर वन कैरी दे दी तो यहाँ अपने पास में कितना रह जाएगा सेवन, सेवन माइनस थ्री कितना रह जाएगा आपका फोर, क्लियर। ये अपने पास में अपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। फिर अपने पास में देखना है 15 को, 15 अपने पास में क्या है, 15 में अपने पास में लिखा हुआ है देखो 364 प्लस 67, इन दोनों का तो क्या करना है आपको एडिशन, और सब्ट्रैक्शन किसका करना है अपने को 199 का। तो पहले अपन क्या करेंगे इन दोनों का तो क्या कर देंगे एडिशन, उस एडिशन में से अपन क्या करेंगे 119 को 199 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले अपन क्या कर देते हैं एडिशन कर देते हैं इन दोनों का, तो यहाँ अपने पास में एडिशन हो जाएगा 364, ऐड कितना करना अपने को 67, क्लियर। तो यहाँ लगा दिया मैंने प्लस का साइन, यहाँ अपने पास में हो जाएगा 4 प्लस 7 हो जाएगा आपका 4 प्लस 7 हो जाएगा आपका 11, क्लियर। 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12, 12 प्लस इस वाले की कैरी ये बचेगी तो ये हो जाएगा 13, क्लियर। और 13 का 3 यहाँ नोट करूंगा, और 3 प्लस इसकी कैरी कितनी हो जाएगी 4, क्लियर। तो इन दोनों का एडिशन तो अपने पास में कितना आ गया 431। अब अपने को माइनस कर कितना करना है इसमें से, माइनस अपने को करना है 199, तो यहाँ इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 431 और माइनस करना अपने को 199। आपको वापस वही करना पड़ेगा, 1 माइनस 9 आपका होगा नहीं सोल, तो अपने को 1 को 11 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11 कब होगा जब इससे ये 1 कैरी लेगा, तो ये 1 से 11 हो जाएगा और ये 3 से 2 हो जाएगा, तो ये 11 हो गया, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 11 माइनस 9 हो जाएगा आपका 2, क्लियर। अगर 1 कैरी देगा तो 3 से कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस आपको 9 ये फिर नहीं होगा, तो ये 2 क्या करेगा इस 4 से 1 कैरी लेगा, तो 4 से जब ये कैरी लेगा तो ये 4th हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 12, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 3, और इसने अगर 1 कैरी दे दी तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो जब अपन 364 में 67 ऐड करेंगे और उसमें से 199 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने पास में 232, कितना आंसर आएगा 232, क्लियर। तो ये अपने पास में 15 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, क्लियर। आगे वाले अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व। थैंक यू।